कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसानों के आंदोलन को 2 महीने पूरे होने वाले हैं। इस दौरान कड़ाके की ठंड, बरसात, कोहरे से जूझते हुए कई किसानों की धरनास्थल पर मौत हो गई है, जिनके परिवारों की मदद के लिए गुरुवार को सिंघू बॉर्डर पर कबड्डी मैच का आयोजन किया गया। अब तक सिर्फ सिंघू बॉर्डर की बात करें तो करीब 12 किसान अपनी जान आंदोलन के दौरान गंवा चुके हैं, जिनकी मदद के लिए पंजाब और हरियाणा के कबड्डी खिलाड़ियों की 8 टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने सभी से इन परिवारों की मदद की अपील की। जो आज ऐसे मैच हो रहे हैं, ये अपने जो सिंह शहीद हो गया उन्होंने जिदा फंड बहरले अपने भी प्रमोटर भी मुहैया करा रहे हैं, तो सारे इंटरनेशनल प्लेयर जोड़े वो सारे खेडने लिए पहुंचे हैं। तो साडा सारिया का फर्ज बनता है, जिन्हें भी योगे आप है इस जो लहर चल रही है इन तो वो अपना हिस्सा पाइए। किसान आंदोलन के बीच जो मैच करवाए जा रहे हैं, इसमें क्या कहोगे? ये अंदोलन के नाल ही रिलेटड मैच हो रहे हैं, जो अब हो रहे हैं वो हम मैं तुम्हें पहले दसा, जो अपने इतने शहीद हो गया, जो बाहरले अपने प्रमोटर साहबान ने उन्होंने अब उन्होंने परिवारों को सद्या है, उन्होंने राशि या कुछ उन्होंने बनता मान सम्मान वो अब इतने देंगे। आप एक पंजाब के अच्छे खिलाड़ी हो, क्या संदेश देना चाहोगे खिलाड़ियों को देश भर के? खिलाड़ियों को यही है, नशे से दूर रहें, अपनी प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, तभी आप लॉन्ग टाइम जा पाओगे ना। किसान आंदोलन के बीच युवा खिलाड़ी हैं, उनको भी कहना चाहोगे कि इस आंदोलन में हिस्सा ली? बिल्कुल, अपना सारे का ही फर्ज बनता है, जिन्ने जोगे आप है गेम के नाल भी हो सकता है, तो जिन्ना को आप उधर भी आके अपनी सेवावान भाइए जरूर। सभी अच्छी टीमें हैं, संघर्ष हमारा मेन मकसद तो ये है कि जो भी संघर्ष में 70-80 जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि, और कुछ परिवार उन्होंने बहुत गरीब परिवार थे, कईयों के एक एक बच्चा था वो इसमें शहीद हुआ, उनकी हम जो फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, और संदेश सरकार को यही है, एक ये हम एक एकजुटता दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा पंजाब सभी जो हमारे किसान भाई एक साथ हैं, और ये जो कानून है ये आपको वापस लेने होंगे, चाहे आप आज ले लें चाहे आप कल ले लें, ये आपके ही लोग हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हुए, इनको प्यार से गले लगाएं, इसमें कोई आपकी वो नहीं है कि आप अपनी इंसल्ट समझे, ये आपके ही लोग हैं, आप राजा हो इस देश के, तो प्रजा का ख्याल रखना भी आपका फर्ज है, तो आपको ये कानून तो वापस लेने पड़ेंगे। इस कबड्डी प्रतियोगिता को देखने के लिए मैदान के बाहर इतनी भीड़ थी कि दर्शकों के शोर शराबे से खिलाड़ियों का उत्साह अपने चरम पर था। लोग घरों पर ट्रैक्टर पर चढ़कर मैच को देख रहे थे। इस प्रतियोगिता में जो धनराशि इकट्ठा होगी उसको किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों और किसानों का एक हुजूम उमड़ पड़ा और भारी संख्या में किसानों ने भी इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया। ਕੀਤੀ ਮਾਰ
प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने अपने खेल से किसानों का खूब मनोरंजन किया। खिलाड़ी हो या किसान, सभी मारे गए किसानों के परिवार की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी इसमें सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।